स्त्री किसे कहते हैं? देखिए, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, है ना, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं ठीक, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति, केवल स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। अब जैसे क्या हो जाएगा, जैसे पिता क्या हो जाएगा, माता, है ना, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, घोड़ा का क्या हो जाएगा घोड़ी, शेर का शेरनी, शेर का शेरनी, है ना। अच्छा, बैल का क्या हो जाएगा गाय, ये, है ना, आदि। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, यानी लड़की का बोध होता है ना, पुरुष में लड़का का बोध होता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, है ना, कहते हैं। जैसे माता, लड़की, घोड़ी, शेरनी, गाय, है ना, अध्यापिका, ठीक है, सेविका, इस तरह से क्या होता है, ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। ठीक है, इसको बच्चों अच्छे से याद करके लिखेंगे। ऐसे हम फिर बता रहे थे कि जनरली हम लोग पढ़ते हैं जो लिंग कितने होते हैं, दो होते हैं, लेकिन लिंग ऐसे हम लोग क्या होता है, चार होता है, हमको बता दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह का स्त्रीलिंग शब्द के ये है ना शब्द हम आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द की, ये क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द की है। ठीक है, जैसे शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या तीसरा, ये दो ही होता है, याद रखिए पाठ में हम लोग जो किताब में पढ़ रहे हैं वो कितना है, दो है, वो लिंग और स्त्रीलिंग, दो ठो मैं एक्स्ट्रा आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए, अब क्या है, अब मैं बता दे रहा हूँ उभय लिंग क्या है, मैं लिख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तीसरा होता है उभय लिंग, उभय लिंग है ना, उभय लिंग। देखिए बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, लिंग ऐसे बुक में दो ही दिया हुआ, लेकिन इसमें दो और पढ़ा दे रहा हूँ, लिंग चार है ना, उभय लिंग। ऐसा नहीं कि सर आगे की क्या पढ़ा दे रहे हैं, बुक में है नहीं, है ना, बहुत बच्चे से प्रश्न करते हैं, लेकिन आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, उभय लिंग, इसको भी क्या जाएगा, शब्द के जिस रूप से, है ना, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति, पुरुष जाति या स्त्री जाति दोनों का बोध होता है, पुरुष जाति या स्त्री जाति, है ना, दोनों का बोध होता है स्त्री और पुरुष दोनों, हाँ, दोनों जाति का बोध होता है उसे उभय लिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए उभय लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष और स्त्री दोनों, है ना, दोनों जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उभय लिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभय लिंग। ठीक है, उभय लिंग जो पुरुष जाति का भी बोध होता है और स्त्री जाति का भी बोध होता है। जैसे मान लीजिए आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए अध्यापक दिए तो आप लिख दोगे अध्यापक, हाँ भाई वो पुल्लिंग, अध्यापिका, हाँ भाई ये क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे माता दिए, जैसे नाना दिए, नाना क्या हो जाएगा भाई, हाँ पुल्लिंग। ठीक है, और नानी दिए तो हाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ये सब अगर दे दिया जाए डॉक्टर, आप क्या लिखेंगे, आप डॉक्टर दोनों में हो जाएगा, वो पुल्लिंग भी हो जाएगा और स्त्रीलिंग भी हो जाएगा, है ना, डॉक्टर। तो इसमें क्या लगाते हैं,
तो पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे डॉक्टर बोलने से क्या होता है, दोनों होता है,